शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और अत्यंत दयावान है। आदाब नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। नाजरीन, आज की हमारी खास पेशकश इस्लाम क्या कहता है में हम बात करेंगे आँखों की हिफाजत के बारे में। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हमारी एक बीमारी का बयान फरमाया है, वह है बदनिगाही। यह बदनिगाही ऐसी बीमारी है जिससे लोग बेहद मुब्तला है। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, उलमा, अल्लाह वालों की सोबत में उठने बैठने वाले दीनदार, नमाज रोज़े के पाबंद भी इस बीमारी के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। और आजकल तो हालत ये है कि अगर आदमी घर से बाहर निकले तो आँखों का बचाना मुश्किल नज़र आता है। हर तरफ ऐसे मनाजिर है कि उनसे आँखों को पना मिलना मुश्किल है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ। मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी निगाहें नीची रखे और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे, यही उनके लिए पाकिजा तरीन तरीका है। वो जो कार्रवाइयाँ करते हैं अल्लाह उन सब से पूरी तरह बाखबर है। हदीस शरीफ में हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, नज़र शैतान के तीरों में से एक जहर भरा तीर है। ये तीर जो शैतान के कमान से निकल रहा है, अगर किसी ने उसको बर्दाश्त कर लिया और उसके आगे हथियार डाल दिए तो इसका मतलब यह है कि बातिन अंदर की हालत की इस्लाम में अब बड़ी रुकावट खड़ी हो गई है। इसलिए इंसान के बातिन को ख़राब करने में जितना हिस्सा इस आँख के गलत इस्तेमाल का है, शायद ही किसी और अमल का ना हो। बदनिगाही का हासिल यह है कि किसी गैर महरम पर निगाह डालना, खासकर जबकि शहवत के साथ निगाह डाली जाए या लज्जत हासिल करने के लिए निगाह डाली जाए, चाहे वो गैर महरम हकीकी तौर पर जिंदा हो और चाहे गैर महरम की तस्वीर हो, उस पर भी निगाह डालना हराम है और बदनिगाही के अंदर दाखिल है। यह बदनिगाही का अमल अपने नफ्स की इस्लाह के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है और ये अमल इंसान के बातिन के लिए इतना तबाह कुन है कि दूसरे गुनाहों से ये बहुत आगे बढ़ा हुआ है और इंसान के बातिन को ख़राब करने में कई हद तक दिल जिम्मेदार है। जब तक के काबू ना हो और निगाह काबू में ना आए, उस वक्त तक बातिन की इस्लाह का तसव्वुर तकरीबन मुहाल है। निगाह का गलत इस्तेमाल बातिन के लिए कातिल जहर है। अगर बातिन की इस्लाह मंजूर है तो सबसे पहले इस निगाही की हिफाजत करनी होगी। यह काम बड़ा मुश्किल नज़र आता है, ढूंढने से भी आंखों को पना नहीं मिलती। हर तरफ बेपर्दगी, बेहिजाबी, नंगापन और अश्लीलता का बाजार गरम है। ऐसे में अपनी निगाहों को बचाना मुश्किल नज़र आता है। लेकिन अगर ईमान की मिठास हासिल करना मंजूर है और अल्लाह जल्ल जलालू के साथ ताल्लुक़ और मोहब्बत मंजूर है और अपने बातिन की सफाई और तहारत मंजूर है, तो फिर ये कड़वा घूट ऐसा है कि शुरू में तो बहुत कड़वा होता है, मगर जब ज़रा इसकी आदत डाल लो तो फिर ये घूट ऐसा मीठा हो जाता है कि फिर इसके बारे में चैन भी नहीं आता। दिल का मचलना या बुरे ख्याल का आना ये अपने अख्तियार में नहीं है, बल्कि खुद ब खुद दिल में आ जाता है, इसलिए इस पर पकड़ नहीं होगी। लेकिन दिल में ख्याल आया या ख्वाहिश पैदा हुई और इस पर अमल कर लिया, मसलन किसी नामहरम को देख लिया, तो इस पर पकड़ होगी। पहली नज़र अचानक पड़ गई या निगाह गैर इख्तियार तौर पर पड़ गई तो माफ़ है, लेकिन दूसरी निगाह लज्जत हासिल करने के लिए उठाया तो गुनाह है। अब अगर इस नेमत का सही इस्तेमाल करोगे तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं तुमको उस पर सवाब भी दूंगा। जैसे इस आँख के जरिए मोहब्बत की निगाह अपने माँ बाप पर डालो तो हदीस शरीफ में है कि एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलेगा। इस बदनिगाही से बचने का एक ही रास्ता है, वो यह है कि हिम्मत से काम लेकर ये तय कर लो कि निगाह गलत जगह पर नहीं उठेगी। इसके बाद फिर चाहे दिल पर आरी ही क्यों ना चल जाए, लेकिन इस निगाह को मत डालो। बस हिम्मत और इरादा करके इस निगाह को बचाए तो फिर देखो कि अल्लाह ताला की तरफ से कैसे मदद और नुसरत आती है। बदनजरी से बचने के दो तरीके हैं, एक तो हिम्मत का इस्तेमाल करो। इसका मतलब यह है कि अपने आप को जहाँ तक हो सके जितना बचा सकते हैं बचा लो। दूसरा, अल्लाह ताला की तरफ रुजू।
अल्लाह ताला की तरफ रुजू का मतलब यह है कि जब कभी ऐसी आजमाइश पेश आए तो फौरन अल्लाह ताला की तरफ रुजू करो और कहो कि या अल्लाह अपनी रहमत से मुझे बचा लीजिए, मेरी आंखों को बचा लीजिए, मेरे ख्यालात को बचा लीजिए, अगर आपने मदद ना फरमाई तो मैं मुब्तला हो जाऊंगा। ध्यान रहे कि दुआ के साथ साथ गुनाह से बचने की कोशिश भी करनी चाहिए। गुनाह से बचने की दुआ की तो दुआ तो कबूल हो जाती है, लेकिन इस दुआ का असर ये होगा कि अव्वल तो इंशाअल्लाह गुनाह सरजद नहीं होगा, और अगर गुनाह हो भी गया तो तौबा की तौफीक ज़रूर मिलेगी। अगर ये ख्याल रखना कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती या नहीं होगी तो अल्लाह ताला उसके नियत पर बदल देते हैं, इसलिए हमेशा ये नियत रखनी चाहिए कि हर दुआ कबूल होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि बदनज़री जैसे बड़े फितने से हमें महफूज फरमाए, आमीन। आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही, अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे इस्लाम से मुतालिक कोई और मालूमात को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।